नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं अंशिका। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म टाइगर 3 और किसी का भाई किसी की जान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। सलमान खान की ये दोनों ही फिल्में इसी साल यानी 2023 में बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली हैं। सलमान खान फिल्मों के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में बने ही रहते हैं और इसके गवाह और कोई नहीं बल्कि हम सब हैं। इसी बीच सलमान खान से जुड़ी एक और खबर सामने आई है जिसे जानने के बाद भाईजान के फैंस काफी ज्यादा खुश होने वाले हैं और एक संतोष की सांस लेने वाले हैं। बता दें कि सलमान खान को एक पुराने केस में राहत मिली है, तो चलिए जानते हैं आखिर सलमान खान को कौन से केस में राहत मिली है और आखिर ये केस था कितना बड़ा। दरअसल बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म किसी का भाई किसी की जान और टाइगर 3 के एक केस को लेकर काफी चर्चा में बने हुए हैं। सलमान खान के खिलाफ एक पत्रकार ने FIR दर्ज कराई थी। पत्रकार ने आरोप लगाया था कि सलमान खान ने उनके साथ मारपीट की है और साथ ही दुर्व्यवहार भी किया है, जिसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंच गया था। लेकिन सलमान खान को 2019 के इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। इस मामले में कोर्ट ने सलमान खान पर दर्ज हुई FIR को रद्द करने का आदेश दिया है। इस खबर के सामने आने के बाद सलमान खान के फैंस ने राहत की सांस ली है। आज इस मामले में जस्टिस भारती डांगरे ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सलमान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख द्वारा दायर की गई एप्लीकेशन स्वीकार की जाती है। कोर्ट ने एक्टर के खिलाफ लगे आरोपों को गलत बताया है। हाई कोर्ट ने पिछले साल एक निचली अदालत द्वारा सलमान खान और शेख को जारी की गई प्रक्रिया को भी रद्द कर दिया है। बता दें मार्च 2022 में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सलमान खान और बॉडीगार्ड नवाज शेख को समन जारी करते हुए 5 अप्रैल को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था। दोनों को ये ऑर्डर पत्रकार की शिकायत के आधार पर दिया गया था। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में अशोक पांडे नाम के एक पत्रकार ने आरोप लगाया था कि सलमान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख ने उनके साथ मारपीट और अभद्रता की। पत्रकार ने सबसे पहले अपनी शिकायत अंधेरी में मजिस्ट्रेट के पास की थी। पिछले साल अप्रैल में सलमान खान ने समन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अप्रैल 2022 को हाईकोर्ट ने एक्टर की याचिका पर सुनवाई कर रोक लगा दी। सलमान खान के अलावा उनके बॉडीगार्ड ने भी समन को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, उस पर भी कोर्ट ने रोक लगा दी थी। बता दें कि पत्रकार ने मजिस्ट्रेट के सामने लिखित शिकायत में कहा था कि सलमान खान की तस्वीर लेने पर एक्टर और बॉडीगार्ड शेख ने उनके साथ मारपीट की। वहीं सलमान खान ने अपनी याचिका में दावा किया कि पत्रकार के सभी आरोप गलत हैं। आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सलमान खान को क्लीन चिट दे दी है। तो ये तो रहा पूरा मामला। अब अगर हम बात करें सलमान खान के वर्क फ्रंट की, तो बता दें कि सलमान खान फिल्म टाइगर 3 में कैटरीना कैफ के साथ नजर आने वाले हैं। सलमान खान और कैटरीना की ये फिल्म 10 नवंबर 2023 को रिलीज होने वाली है। तो वहीं सलमान खान और शहनाज गिल की फिल्म किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। सलमान खान की इन दिनों फिल्मों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की छोटी और बड़ी तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ नेशन पर।